राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जिस दिन पटना आए थे उस वक्त उन्होंने एक बयान दिया था कि वो सीएम नीतीश कुमार का विसर्जन करने आ रहे हैं। उनके इस बयान के बाद से कई और बयान आए हैं सत्ता पक्ष की तरफ से, जिन्होंने राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ा दी है। अब इस उनके दिए गए इस बयान पर जेडीयू से प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी निशाना साधा है। क्या कुछ कह रहे हैं नीरज कुमार, पहले हम आपको वो दिखाते हैं। माननीय लालू प्रसाद जी ने विसर्जन की बात कहकर अपनी मंशा राजनीति में स्पष्ट किया है। स्वाभाविक है लालू जी 24 नवंबर 2005 से लगातार आपके पूरे खानदान और परिवार का, आपका बेटा का राजनीति में विसर्जन लगातार माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार की जनता ने किया है। और माननीय नीतीश कुमार जी से बिहार की 12 करोड़ जनता बेपनाह मोहब्बत करती है, प्यार करती है, आशीर्वाद देती है, समाज के सारे तबकों का आशीर्वाद प्राप्त है। तो आपकी मंशा स्वाभाविक है, क्योंकि आप राजनीति में जो आपराधिक गठजोड़ रहा है, बिहार में जो आपका पारिवारिक आतंक राज रहा है, उस आतंक राज की वापसी आप कराना चाहते हैं। लेकिन लालू प्रसाद जी, न आपके भ्रम की राजनीति, आतंक की राजनीति, संपत्ति दोहन की राजनीति अब बिहार में न चलने वाला है। आपकी स्वाभाविक जो मनोवृत्ति रही है, उस मनोवृत्ति से आप भाषाई लंपटीकरण करते रहिए, लेकिन बिहार की जनता चरवाहा विद्यालय से नालंदा विश्वविद्यालय की ओर आगे बढ़ चुकी है। तो आपने सुना, नीरज कुमार को उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया है कि लालू प्रसाद जो विसर्जन की मंशा लेकर के आए हैं वो यहाँ पर चलने वाली नहीं है। हालांकि उन्होंने ये बातें भी कही है कि 24 नवंबर 2005 के बाद से पूरे लालू परिवार की, चाहे वो उनके बेटे हो, चाहे वो खुद लालू प्रसाद ही क्यों ना हो, उनके पूरे परिवार की राजनीतिक तौर पर विसर्जन जो है वो बिहार की जनता और खासकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी करते आए हैं। तो अगर लालू प्रसाद ये सोच कर आ रहे हैं कि वो नीतीश कुमार जी का विसर्जन कर देंगे तो उनके सोचने से कुछ नहीं होने वाला है, वो सपना देखना छोड़ दे, क्योंकि बिहार की जनता जानती है कि लालू और राबड़ी के शासनकाल में क्या कुछ हुआ था, किस तरीके से अपराध चरम पर था। और लालू प्रसाद जी एक बार फिर से राजनीति में वापसी कर रहे हैं तो बिहार की जनता को सीधे तौर पर पता है कि लालू प्रसाद जी बिहार में आतंक की राजनीति करने आ रहे हैं। और अब जनता भोली भाली नहीं है, वो सब कुछ समझ रही है। इसलिए लालू प्रसाद यादव के द्वारा जो ये बयान आते हैं वो फिजूल की बातें हैं। तो अब देखना दिलचस्प होता है कि उनके इस बयान के बाद से राजद की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है। अब बन रहे हेडलाइंस बिहार के साथ, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। धन्यवाद।